अयोध्या में बनने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम मंदिर निर्माण के लिए खास स्रोत से 1,21,00,000 से अधिक समर्पण राशि एकत्रित की गई है। संघ विश्व हिंदू परिषद के निर्देशों और नेतृत्व में श्री राम जन्मभूमि निधि समर्पण अभियान खास स्रोत खंड में मकर संक्रांति से प्रारंभ किया गया था। अभियान के दौरान नगर में महिलाओं के द्वारा कलश यात्राएं निकाली तो वहीं गांव मोहल्ला केंद्रों पर महाआरती, नुक्कड़ सभाएं आदि आयोजन करते हुए हर व्यक्ति को श्री राम जन्मभूमि निधि समर्पण अभियान से जोड़ने का आग्रह किया गया। निधि समर्पण अभियान में खालसोत के 800 कार्यकर्ता इसमें लगे और गांव-गांव, बस्ती-बस्ती में हर मोहल्ले में 19,734 परिवार से संपर्क करते हुए 1,21,60,419 रुपए एकत्रित किए गए। जानकारी श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र निधि समर्पण समिति खालसोत खंड संयोजक समृत सेन और खंड के हिसाब किताब प्रमुख रजनीश उपाध्याय के द्वारा दी गई। कार्यकर्ताओं के अनुसार अभियान 28 फरवरी को पूर्ण हो चुका है, लेकिन अब भी बैंकों में भक्त निधि जमा कर रहे हैं। संघ के दिशा निर्देशों से विश्व हिंदू परिषद के नेतृत्व में मकर संक्रांति 14-15 जनवरी को प्रारंभ हुआ था और इसके अंतर्गत खाचरोद खंड के हमने नगर के चार भाग, जिसमें चार बस्तियां और पूरे खाचरोद ग्रामीण जो है उसको 14 मंडलों में विभाजित किया था और इस प्रकार से पूरे 14 मंडलों में से 16 मंडलों में वाहन यात्राएं निकली, गांव-गांव में हमारी शोर यात्राएं निकली, महाआरती हुई और इस प्रकार से प्रत्येक हिंदू घर तक जन जागरण अभियान चलाकर और हम हर घर तक पहुंचना हमारा लक्ष्य था। और इस अभियान में खाचरोद खंड के लगभग 104 गांवों में हम पहुंचे, जिसमें 19,734 परिवारों में हम पूरे खंड में और नगर में पहुंचे। लगभग इसमें 800 कार्यकर्ता, जिसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद, भाजपा, किसान संघ, मजदूर संघ और गायत्री परिवार, इसके साथ ही और भी जो अनुसांगिक संगठन हैं उनके कार्यकर्ता इसमें लगे थे। साथ ही वे लोग भी इसमें लगे थे जो किसी संगठन में तो नहीं है, लेकिन उनके मन में यह था कि भगवान राम का जब मंदिर बनेगा तो हम भी तन मन से लगेंगे। ऐसे लोग हमारे साथ में कंधे से कंधा मिलाकर लगे और सभी गाँव में हम पहुँचे और इसके अंतर्गत 10, 100 और 1,000 रुपये के कूपन आए थे और साथ ही खाली रसीद बुक भी हमारे पास ऊपर से आई थी, जिसको गांव-गांव में लेकर हम पहुंचे और वहां से ये जो 10, 100 और 1,000 रुपए की जो रसीदें थी, हर घर पहुंचना जिसके अंतर्गत हमारा लक्ष्य था, इन रसीदों के माध्यम से 39,82,800 रुपए हमने समाज से स्वेच्छा निधि के रूप में एकत्रित करके और जो रसीद बुक थी जिनमें चेक के माध्यम से 39,68,919 रुपये, नगद राशि के माध्यम से 29,19,700 रुपये और एक टीम बनाई थी जो 1,50,000 रुपये की राशि के बड़े दानदाताओं से संपर्क करेगी, ऐसी जिले की एक टीम थी, वो टीम भी हमारे खंड में आई और उस टीम के माध्यम से भी 12,89,800 रुपये की राशि स्वेच्छा निधि के रूप में समाज से हमें प्राप्त हुई थी। और इस प्रकार से कुल मिलाकर पूरे खाचरोद खंड की बात करें, जिसमें खाचरोद नगर भी सम्मिलित है, और तो पूरी राशि जो हमें प्राप्त हुई थी वो थी 1,21,60,419 रुपए। 1,21,60,419 रुपए इस पूरे अभियान में, इस पूरे खंड से हिंदू समाज के साथ ही कुछ मुस्लिम बंधुओं के द्वारा भी हमें राशि प्रदान की गई, जो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र का जो खाता है उसमें हम सभी के द्वारा जमा की गई और इसका पूरा हिसाब भी जमा कर दिया गया है।